सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी ये लिडोमा एशिया का जो सेमीफाइनल चल रहा था एंड आज खत्म हो चुका है एंड टीम सोल क्वालिफाई हो चुकी है ग्रैंड फाइनल के लिए। एंड आपको ये वीडियो में सेमीफाइनल का डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर के जितने भी अच्छे मैचेस हुए, चिकन डिनर आया, आपको सब देखने को मिलने वाला है। एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा है, सो एंड तक देख लेना, मज़ा आएगा आपको, फाइटी फाइट देखने को मिलेगा। एंड चलते हैं हम मैच की तरफ। एंड मैच में जाने से मेरे चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, जो हमारा गोल है वो है 59K सब्सक्राइबर का, बट मुझे लगता है 59K मुश्किल है, तो जो हमारा अभी नेक्स्ट गोल है वो है 58.5K, तो जो भी नया सब्सक्राइब कर देना। एंड चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। करने का प्रयास उनकी तरफ से रहेगा, बट मैच की तरफ से वहां पर फ्रैग डाउन किया गया ओपनली और सिक्योर भी कर लिया जाएगा। आइकोसोल इस बार बेहतरीन प्रदर्शन कर बाकी टीम्स को परेशान करेंगे। चीजें सही चलती दिख रही है आपको यहां पर अभी के लिए, बट वहीं आइकोसोल की बात तरीके से ओजी वहां पे एक और स्क्वाड को वाइप करेंगे, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाने के लिए थर्ड पार्टी करने के लिए आइकोसोल आ चुकी है सामने पे ले रहेंगे, डाउन किया जाएगा, एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है। देयर यू गो आइकोसोल, वो आए, उन्होंने रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, बट सारंग आगे जाएंगे, पैराडॉक्स को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे, नकुल के हाथों सारंग को डाउन कर दिया जाएगा। टीम एक्सपार्क के ऊपर वो प्रहार आया है और वो प्रहार किसी जाएगा, डाउन किया जाएगा, तीन फिनिशेस यहाँ से लिए गए स्प्रे गॉड ने, ये बाजी को पूरा पलट दिया। लेकिन जब तक आपने उस बाजी को पलटा, शायद आइकोसोल ने इस गेम को पलट दिया और वो पलटते पलटते ऊपर तक आ चुके हैं। अब टीम एक्सपार्क के लिए चीजें यहां से और भी ज्यादा मुश्किल होते हुए सारंग के हाथों रिवाइवल दे दिया जाएगा, लेकिन प्लेयर ऑलरेडी वो डाउन होते हुए नजर आ रहे, टीम एक्सपार्क उसका भी एलिमिनेशन रहेगा। क्लैन वो टैग लगाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि MW करके हमने और भी काफी ऑर्क्स देखने के लिए। अब फाइनली टीम आइकोसोल, इंतजार चल रहा था इस फाइट का, तो जी हाँ आगाज तो जरूर हो चुका, लेकिन ऑटोबॉट्स तो ज्यादा ही ओपन में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। टीम असला ने काफी अच्छा रिटेलिएशन करके दिखाया, ओपन में नॉकआउट निकाले, लेकिन दूसरी तरफ टीम ड्रैगन ईस्पोर्ट्स, पिछला मुकाबला काफी बेहतर नजर आया था टीम ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का, #2 तक पहुंची थी ये टीम, लेकिन सामने वो चैलेंज आ रहा है टीम आइकोसोल का। और दूसरी तरफ टीम ब्लाइंड और 8-bit की भिड़त अब वापस से जारी हो चुकी है, और मुझे लग रहा है ब्लाइंड मैंने कही शायद एलिमिनेशन के कगार पर। टीम आइकोसोल का चांसेस विल बी देयर 1v3 की स्थिति, लेकिन पीछे से टीम 8-bit भी आ चुकी है, अलीबाबा रेडर्स के राल्फ गलत जगह पे आ गए, गलत समय पे आ गए, और राल्फ को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अभी भी सेंसे कंपाउंड के अंदर है। बैटमैन ने आइकोसोल रॉनी को डाउन कर दिया, स्कोर एंड नकुल दो खिलाड़ी नजर आते हुए उसी बीच। ओ माय गुडनेस, जॉनाथन लगातार एक मैच से काम नहीं चलने वाला, बट अभी टीम आईफ्लिक्स के ऊपर चुनौती देने के लिए टीम आइकोसोल, ये ग्रेनेड काफी क्रूशियल रहने वाला है। डूम शायद आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, ऑलमोस्ट ओनली 20 HP का सर्वाइव ये करता हुआ खिलाड़ी, पीछे से निमल गिल भी कोशिश करेंगे, बट न्यूब का इस बार बचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा। जी हाँ, लग ही रहा था आइकोसोल एस पावर आगे पहुंच चुके हैं, गिल की तरफ से सपोर्ट फायर मिलना बहुत जरूरी है। क्या कमाल के यहाँ पर स्ट्रेटेजी, बीच में जो गैप नजर आया था वहां से बुलेट्स को भेजा और गिरते हुए नजर आए, लेकिन अभी के लिए न्यूमन गेल सोच रहे थे सरप्राइज करेंगे एस पावर को, लेकिन एस पावर भी पूरी तरह से अलर्ट हो रखे थे, और आप देखिए देखते देखते वो का एलिमिनेशन कभी भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ से टीम आइकोसोल वर्सेस टीम एक्सपार्क की एक भिड़ंत, काफी वैल्यूएबल फाइट देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ तो लग रहा है गुजरात टाइगर्स पूरी तरह से छा चुकी इस फाइट से। गुजरात टाइगर्स पुश कर रही है टीम एग्जिट के ऊपर, और ये देखिए टीम एग्जिट को एग्जिट करने पे मजबूर कर दिया है सोलवे पहाड़ी, उसके पल्ली तरफ हमें एक और खिलाड़ी, एक और टीम गुजरात टाइगर्स की, क्लच गॉड को बचाने के लिए अपोलो ओपन में आए तो है, ये बहुत बड़ा रिस्की मनूवर करते हुए नजर आ रहे हैं। माइटी का ग्रेनेड सही जगह पे गया तो फिर एक नहीं दो फायदे होंगे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा एक्सपोज भी नहीं कर सकते अपने आप को, बिकॉज सामने प्लेयर है कवर देने के लिए। मोलोटॉफ तो फेंक सकते थे माइटी, एक बढ़िया मौका था, एक ही मोलोटॉफ से दो शिकार बन सकते थे, लेकिन अभी सामने फेंक जरूर दिया, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं, खुद नुकसान पे उठा सकते हैं, और जी हाँ एम नहीं लग पाए, वो एनिमेशन में फंसते नजर आए, लेकर आए थे आज के दिन पे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया 11th पोजीशन में। आइकोसोल 5 फिनिशेस, लेकिन इसी बीच नकुल डाउन होते हुए, जोनाथन इज ऑन द अदर साइड, जोनाथन गेट्स टेकन डाउन एज वेल, टीम आइकोसोल के दो खिलाड़ी डाउन है, रॉनी और एस्पार से दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, 50% कैपेसिटी पे टीम आइकोसोल नजर आती हुई, और अब रॉनी भी डाउन, एस्पावर जीवित, नकुल को रिवाइव करने की ये सिचुएशन, ग्रेनेड्स आ रहे हैं और दूर सर्कल के बाहर अक्षत को स्पॉट किया, नॉक करने की कोशिश थी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 or 2 HP पे छोड़ा था, और ये बैक इनको जाना जरूरत है
डेल्टा पीजी निकल चुके हैं, थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे और अपने आप को रिपोजिशन करेंगे एंड आई बिलीव दिस इज गोना बी अ बेटर एंगल। अब खिलाड़ी चलिए एकेओपी की तरफ भी स्प्रे जाते हुए, एकेओपी गेट्स टेकन डाउन एज वेल। टीम ओरांगुटान के अब आखिरी खिलाड़ी ट्रिगर है, ट्रिगर फिंगर ऑन द ट्रिगर wants to prevent the deal, लेकिन डेल्टा पीजी को चलिए एक नॉक आता हुआ, डेल्टा पीजी को डाउन करेंगे लेफ्ट साइड से, डेस्ट्रो भी है, शोगन इज आल्सो डाउन, कंफर्मेशन करना। लेकिन फ्रैगर रीडन को भी डाउन करते हुए नजर आया, आईक्यू सोल मानिया सेंसे को डाउन करेंगे, फियर्स को डाउन करेंगे, क्या एक और नॉक है वहां पे ग्रेनेड से? नहीं, एक ग्रेनेड से दो शिकार करते हुए मानिया। और यहाँ टीम एक्स पाक के दो खिलाड़ी आईक्यू सोल एंगेज करती हुई रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट, चारो प्लेयर्स डाउन। और ये देखिए चार और फ्रैग्स आ चुके हैं, मानिया गजब का मुकाबला, सिर्फ एक खिलाड़ी टीम आईक्यू सोल के डाउन हुए और वो भी रिवाइव हो जाएंगे। काफी अच्छी तरीके से ये फाइट एग्जीक्यूट की है, रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट कर दी गई है। यहाँ पे कैरी होता ग्रेनेड तो फिर मुझे लगता है नॉक आ सकता था, लेकिन टॉप डॉक के भी शॉट्स आते हुए ऊपर में आ चुके हैं। मैडमैन लो एचपी पे और अब मैडमैन की तरफ जाके कंफर्म करेंगे। और अब टीम आईक्यू सोल भी आ चुकी है, 8 फ्रैग्स इन पॉकेट, टीम आईक्यू सोल इज लुकिंग वेरी गुड। और अभी घुसते गए टीम 8bit को एलिमिनेट कर दिया है, टीम आईक्यू सोल क्या गजब की परफॉर्मेंस, 8bit को भी एलिमिनेट कर दिया है, 10 फ्रैग्स इनके खाते में, 19 खिलाड़ी अब भी जीवित। टीम आईक्यू सोल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से खेल रही है मुझे लगता है काफी हद तक चिकन डिनर इनके हाथ में आ ही जाएगा। ये रिदम, ओ बात की थी तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी, नकुल डाउन हो चुके हैं लेकिन फिर भी ग्रेनेड को करके आईक्यू सोल के एस्पावर अंदर डालेंगे, वांटेड को डाउन किया है बट देयर स्टिल आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स ओवर देयर, एस्पावर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा टूट चुका है, स्पाइडर जॉर्ड अंदर एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन एस्पावर पे भी मॉली लगती हुई यहां पे, एंड ही इज गोना गेट डाउन, ऐसा लग रहा है यस ऑफ कोर्स ही गेट्स टेकन डाउन, मॉली लग गई थी, एस्पावर को बचाने के लिए रॉनी आ चुके हैं और अभी के लिए ये तो है यहाँ से। लेकिन आपने आईक्यू सोल की बात करी गॉड लाइक, कुछ देर पहले हम इस फाइट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर ये बैटल मानिया को शॉट देंगे, लेकिन मानिया निडर खिलाड़ी सीधा आगे बढ़ते रहे एआर की तरफ, क्रिस ओपी कोशिश करेंगे और क्रिस को भी डाउन कर दिया। रोमन की पोजीशन का अंदाजा है या नहीं? चलिए मिल चुका है, अब मिल जाएगा, रोमन को ढूंढा जा रहा है मल्टीपल प्लेयर्स आते हुए रोमन की तरफ, और इसी के साथ रोमन को भी डाउन किया स्पावर ने और अली बाबा रीडर्स का स्पॉट एलिमिनेट के बाद फाइट में एंगेज भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए अब क्योंकि सर्कल के बाहर बहुत सारी टीम है तो उन्हीं के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठी है, आ सकता है गॉड रिंग का इस पोजीशन से। देखिए अभी तो मैं एक्सपेक्ट करके जरूर चलो, लेकिन मैं संभावना अगर परसेंटेज के तौर पर बोलूँ 60% है चांस यहाँ से। आप देखिए यही एक बड़ा नुकसान रहता है जब आप एक नहीं दो नहीं तीन फ्रैग निकाला, 8 फ्रैग टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के खाते में, 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं, आपका कभी रिवाइवल हो जाएगा बट यहाँ देखना है कि क्या कोई और टीम इनके ऊपर धावा बोलेगी। जी हाँ, सेंसे के ऊपर शॉट लेने की कोशिश की, मानिया ने पोजीशन दे दी होगी लेकिन रॉनी थोड़ा सा दूर नजर आ रहे हैं, एंड नाउ टीम आईक्यू सोल इज प्रायोरिटाइजिंग द सर्कल, पीछे से रेवेनेंट इसको साथ हो रही है लेकिन आईक्यू सोल अभी सर्कल के ऊपर इनकी निगाह है। नुमिन गिल नजर आते हुए सामने की तरफ, एस्पावर ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ से हैं खिलाड़ी, बता दीजिए कौन सी जगह है। नुमिन गिल ने रॉनी को डाउन किया और अभी मान्या, इन्हें पता है पीछे की तरफ टीम है तो कॉन्स्टेंटली पीछे चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई पीछे से ना आ जाए ताकि गेट कीप करने का चांस इनके पास है, बट अगर कोई पीछे से आया तो शायद पीछे से वार हो जाएगा और एलिमिनेट भी होना पड़े। इसी बीच देखिए मान्या नजर आते हुए, टीम फॉरएवर, आपने बात की थी गेम्स इससे पहले कि टीम फॉरएवर की तरफ से ना वो मैच नहीं निकल रहे आज के दिन पे, तो टीम फॉरएवर ने सुन ली और अब वो मैच की तरफ बढ़ रहे हैं काफी। टीम आईफ्लिक्स की जो टीम यहाँ पर खिलाड़ी क्या गिल हील बैटल करने की चाहत रख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं आप इसे दुश्मन भी मत बनने दीजिए, लेकिन एंट्री करते साथ टीम अल्ट्रा को झटके लगते हुए सिंस डाउन, दूरा पहले ही फिनिश हो गए थे स्पर्श और स्प्रे गॉड, अब सिर्फ 50% कैपेसिटी पे बची है टीम अल्ट्रा। आप ये देखिए दोनों तरफ से फंसते नजर आ, लेकिन दूसरी तरफ से एरो बॉ और टीम अली बाबा रेडर्स अभी भी जस्ट एक खिलाड़ी की अनाउंसमेंट जिसको हम पहले गुरु डॉन के नाम से जानते थे, वी ऑल नो कल ही अनाउंसमेंट हुई 8bit ब्लैक्स, जी हाँ वो नाम हमें रहेगा देखने को मिलेगा, लेकिन आज वो चमत्कार नहीं कर पाए, उतना अच्छा खेल के नहीं दिखा पाए, बट कोई बात नहीं आगे और मौके मिलने वाले आज के दिन पे और 3 मौके उनके पास रहेंगे तो देखेंगे जरूर। बट यहाँ से टीम आईक्यू सोल थोड़ा सा सभी शुरुआत उनकी रहती है, लेकिन उनका खाता ऑलरेडी ओपन हो चुका है 2 फ्रैग्स ऑर्डर की झोली में, बट नकुल को तो रिवाइवल दीजिए और जलकर आई शायद रिवाइवल मिल जाएगा। जी हाँ की ये टीम देख रही है तीसरा झटका भी दे दिया है सामने वाली टीम को, सर्कल के खेल रही है ऑटो बॉल शायद।
लेकिनिंग का स्क्वाड भी नजर आ रहा है और यहां आइकू सोल के सामने खिलाड़ी आए ट्रिपल मिस किया जोकर ने, लेकिन यहां पे झटका मिला है। आइकू सोल सरवाइव करेगी, एक नहीं दो प्लेयर्स आए थे, स्पर्श ओपी गिर के नॉक हुए और आइकू सोल को एक फिनिश मिल चुका है, काफी इजी फिनिश के अंदर आने आने से पहले उनको ज्यादा झटके मिलने लगे और काना केवल टीम ब्रैकनिंग टीम आइकू सोल भी उनको परेशान करते नजर आएगी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी छोड़ी चलिए धमाका टीम एचएच का, वो आखिरी धमाका, जी हां बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो परेशान कर रही, बट ये क्या जोकर आएंगे, जोकर द सेवियर वापस से अपनी टीम को बचाएंगे दोनों को, और दूसरा खिलाड़ी जो जूसी थे वो प्ले जोन के चलते नॉकआउट और डाउन हुए, जिसके चलते टीम 8 बिट का भी एलिमिनेशन। अब टॉप 8 टीम्स की तरफ हम भिड़त देखने को मिलती नजर आएगी, लग रहा है थोड़ा बहुत झटके जरूर मिल सकते थे टीम आइकू सोल को, बच वहां से अब थोड़ी सी टीम गॉडलाइक को ढूंढ रही है कि क्या बढ़िया वैल्यू आपको वहां पर उनके द्वारा आते देखे, क्योंकि कुछ कनेक्शन आते देखे जरूर से थे। 15 टीम है, 45 प्लेयर्स है एंड स्टेज नंबर 2 इज गोइंग टू अभी भी नजर आ रही है, इसमें आइकू सोल भी है, बट क्या आइकू सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक ये बैटल हमें देखने को मिलती नजर आती है। और एक और टीम है साथ में, वो ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स है जो शायद कभी भी दस्तक दे सकती है, बट ये एक मच अवेटेड फाइट है, हर कोई इसका लॉबी में इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। इस तरह से आते नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया होगा प्लेस आ रहे हैं, बस वो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए देखिए अभी कोई भी बुलेट से फायर करना ही नहीं चाहता, जो भी है सब हर कोई ग्रेनेड या तो मोलोटोव ही करना चाहता है। और अभी के लिए रोनी बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि आ जाइए आपके लिए बहुत बढ़िया करार से ग्रेनेड हमने रखे हुए हैं आप लोग के लिए, और ये देखिए थोड़े से ओवरकुक हो गए, बट फिर से एक और ग्रेनेड, 3 ग्रेनेड्स हैं उनके पास ऑलरेडी, शायद इस बार ये चौकेगा नहीं। इंसीडियस झांक रहे थे, ताका झांके अलाउड नहीं है, देखिए कितने क्लियर इतने जो क्लोज कंपाउंड्स रहते हैं, और देखते देखते वो धमाका ये वो खात्मा करता नजर आएगा इंसीडियस का, बट रोनी ये आखिरी ग्रेनेड के साथ देखते हैं मोक्ष का भी वो सफाया हो पाएगा नहीं, बट थोड़ा बहुत ही स्प्लैश डैमेज देखने को मिलता नजर आया। या चीजें यहां से आपको आगे बढ़ती देखेंगे जरूर से, एंड आई वुड लव टू सी अगर एग्रेसिव नेचर आपको यहां पर लॉबी का बढ़ता रखें। गाइस बस याद दिला दूं कि जितने भी लोग यहां से ग्रुप पे अपग्रेड कर रहे हैं उनको बस आई एम प्रो ये वो है मेंबरशिप कोड से इस्तेमाल करो और आप 30 दिन के लिए वो मेंबरशिप ले सकते हो। सो बस जाना है आपको लगता है आई एम प्रो जो कि आप है ऑलरेडी, और फिर आप बाहर से निकले वो एंजॉय कर पाएंगे, बट वहीं अगर आप बाहर करें जो नए नाम से खिलाड़ी आ रहे हैं ये है कौन, बट चलिए ब्लाइंड अपने ही एक्सपीरियंस के साथ अकेले से फिर से नजर आ रहे हैं आईक्यू सोल के खिलाड़ी। एस पावर का ये डीवीएस पावर बहुत ही जबरदस्त है, दूसरे को भी डाउन करेंगे बट इस बार नहीं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी उनके हेड रखे थे देख रहे थे काफी दूर से, और मैक्स का भी काफी पुलिस फोर्स के पास भी आखिरी खिलाड़ी बचे देखे थे, लेकिन उनका समापन स्लग का समापन आपको यहां पर बड़े आराम से होता हुआ दिखा। नकुल के द्वारा मैक्स के ऊपर भी कनेक्शन है, स्टेज नंबर 2 चल रहा है, बकर फाइट जो है वो काफी एग्रेसिवली हमें आगे बढ़ती दिख रही है। नकुल उनके द्वारा जेजी के ऊपर भी एक कनेक्शन आएगा, जेजी का तो समापन भी आता दिखेगा जोकर के द्वारा। टीम आइकू सोल दे आर कंफर्मिंग ऑल दोस ट्रैक्स, बट जीजी अब अकेले बचे हैं, जीजी के ऊपर प्रहार, जीजी निकलना चाहते हैं, बट क्या चेजिंग गेम चलेगी? जी हाँ बिल्कुल वो चेज गेम चलती दिखेंगी, तो जरूर से एक स्ट्रेट लाइन में अगर पकड़ लिया तब मुसीबतें काफी बढ़ने वाली हैं, और जोकर प्रयास कर तो रहे हैं फुल स्पीड आगे बढ़ रहे हैं, तीन तीन गाड़ियां पीछा कर रही हैं, ऐसे तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जीजी फंसते दिखेंगे, बनते दिखेंगे और पूरी टीम चल रहा है, टीम आइकू सोल का भी इंस्टेंटली एक रोटेशन उस दौरान हमें देखने को मिलता नजर आएगा। शायद आइकू सोल को अंदाजा लग चुका है कि एग्जैक्ट लोकेशन का, बट वो बढ़ रहे हैं, शायद उनको अपनी बेसिक लूट भी उन्होंने एकत्रित करी है कि नहीं, लेकिन जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से शायद टीम एक्स पार्क के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी, और क्या वो चैलेंज क्या वो डिफेंड कर पाएगी उस पर्टिकुलर स्पॉट को ये देखना बाकी है। और टीम मेरे ख्याल से गॉडलाइक को ना इस चीज का फायदा उठाना चाहिए यहाँ से, यहाँ पर इनसे यही कुछ मौके होते हैं जहाँ पे आप ना फायदा उठा के अपनी टीम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। इस पावर दारा ग्रेनेड टीम एक्स पार्क को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं, स्प्रे गॉड की तरफ बढ़ेंगे, स्प्रे गॉड रिवाइवल करते हुए, लेकिन यहाँ पे अब उठना पड़ेगा
ट्रेगॉट को अभी के लिए तो घुटनों पे ला दिया है। काइरो वाज ऑलरेडी डाउन, टीम आइकुस वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बट टीम गॉडलाइक के लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में टीम आइकुस आती हुई। टीम एक्स पार्क के साथ फाइट ना बड़ी ही अमेजिंग होती है। यहाँ पे कवर्स बहुत सारे होते हैं, प्लेयर्स होल्ड करके बैठते हैं, कॉर्नर्स पकड़ के बैठते हैं, तो इसका नुकसान जो भी टीम पुश करने वाली होती है उनको हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन अभी पहाड़ी के ऊपर हम निकाले अपोलो एक आखिरी उम्मीद के साथ, बट आइकुसोल इतनी ज्यादा भगदड़ हो गई, इतनी ज्यादा फाइट होगी, मैं वही हैरान था कि आइकुसोल रहे तो रहे कहां गई। लेकिन अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा, अब उनके द्वारा जो फिनिश फ्रैग का इजाफा है वो देखने को बलता नजर आए, क्योंकि रफ्तार अब बढ़ा दी गई है। स्टेट का भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कनेक्शन नहीं बन पा रहा, ग्लोबल स्पोर्ट एक एक करके उनको रंगे हाथ पकड़ रही है। काफी देर से हम देख रहे थे टीम असला के पास वो बिल्कुल बीचों बीच, बट जैली किस्मत बहुत ही अच्छी थी आपकी, बहुत लोअर एचपी सर्वाइव करे, अदरवाइज नॉकआउट तो होना लगभग तय हो चुका था उनका। तो बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश आपको ट्रायल के द्वारा देखेंगे जरूर से, रिको उनके द्वारा कुछ कनेक्शंस आते देखेंगे जरूर से, एस पावर के द्वारा रिको का कंफर्मेशन भी आएगा, मान्य के द्वारा सीरवी के ऊपर भी एक अच्छा कनेक्शन, उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चीजें अच्छी जाती है, बट गोनू के द्वारा मान्य को डाउन किया जरूर। टीम आइकुसोल है फाइट के अंदर, मान्या का यहाँ पर वो कंफर्मेशन भी आता देखेगा। टीम आइकुसोल हल्की दिक्कत है इनके लिए, अब एचपी बहुत कम है उस व्हीकल की, एस पावर बचना मुश्किल, डैमेज बहुत ज्यादा तगड़ी थी, मुश्किल रह सकता है वो व्हीकल, किसी भी शॉट ब्लास्ट हो सकती है अगर एक आधी बुलेट और पड़ी तो। हाँ चलिए अभी के लिए एक स्वीट स्पॉट मिला जरूर से, जहां से रीसेट करने की कोशिश रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें टीम आइकुसोल की, वो यहां पर आराम से निकलना चाहेगी सिचुएशन से, फाइट्स करते तो नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज एस्पावर और जोकर दो ही प्लेयर्स मात्र बचे, बट जिस स्पीड में वो आगे बढ़ रहे और जिस दिशा में जा रहे हैं शायद फाइट्स इनका इंतजार कर रही, जोकर को भी डाउन किया। बाकी आपको टीम सोल के सेमीफाइनल के ये मैचेस कैसे लगे लीडोमा एशिया का आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आज का वो चिकन डिनर। बाकी अगर आपने टीम सोल का कल का अपथ्रश ईस्पोर्ट्स का मैच नहीं देखा है मिस मत करना, उसमें क्या ही टीम सोल ने कल खेला था, बहुत ही मज़ा आया था, मिस मत करना। 20 फिनिशेस और 10 फिनिशेस, लाइक बहुत सारे लाइक एग्रेसिव गेम प्ले कल देखने को मिला था लीडोमा में भी और साथ में अपथ्रश में भी, तो मिस मत करना, जाके देख लेना लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ, तब तक ले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग।